दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। बेटी ने अपने ही माँ बाप को दी भयानक मौत, वजह हैरान करने वाली है। आउटर दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में डबल मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पुलिस ने इस वारदात में सोनिया नाम की युवती और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नाले में महिला की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त जगीर कौर के तौर पर हुई थी। इससे पहले भी एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी कड़ी जागीर कौर से जुड़ी थी। जांच में पता चला कि पुरुष की लाश जगीर के पति गुरमीत सिंह की थी। छानबीन में जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला है। मृतका की बेटी सोनिया ने पुलिस को बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस पूरी हत्याकांड की असली वजह 150 गज जमीन बताई जा रही है। सोनिया ने पूछताछ में बताया कि कुछ समय पहले उसने अपने पति को छोड़ दिया। इसके बाद उसका किसी और के साथ अफेयर हो गया, जिससे वो शादी करने वाली थी। उसने बताया कि वो चाहती थी कि उसके पिता के पास पड़ी 150 एकड़ जमीन उसके नाम कर दी जाए, लेकिन उसके माता पिता इसके लिए राजी नहीं थे। पिता द्वारा जमीन उसके नाम करने से इनकार करने पर सोनिया नाराज थी। वो किसी भी कीमत पर जमीन को हथियाना चाहती थी। जब तमाम तरीके फेल हो गए तो उसने एक अपना कदम उठाने का सोचा। इसके लिए उसने अपने प्रेमी की मदद ली। सोनिया ने पुलिस को बताया कि 17 फरवरी को उसने अपने पिता गुरमीत सिंह की गला घोटकर हत्या कर दी और शव को सूटकेस में डालकर नाले में ठिकाने लगा दिया। फिर उसने अपनी मां जगीर कौर के चाय में नशे की गोली डाल दी। जब जगीर बेहोश हो गई तो उसने तकिए से उसका दम घोट दिया। उसके मर जाने के बाद प्रेमी ने जगीर की लाश को सूटकेस में डाला और नाले में फेंक दिया। हत्या के बाद सोनिया प्रॉपर्टी बेचकर भागने की फिराक में थी। प्रॉपर्टी बेचने की इसी जल्दबाजी ने पोल खोल दी। पुलिस ने पहले संध्या के आधार पर उसे हिरासत में लिया और फिर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।